आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था कॉन्केव मिरर का, और इस वीडियो में फिर नेक्स्ट टाइप के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का रूल्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कह दिया इसने? इसने कहा कि एक रे ऑफ लाइट है, एक प्रकाश की किरण है जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो अपीयर होती, प्रतीत होती है कि वह फोकस से आती है और रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि फोकस से आती है कहाँ पर? रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह लाइट का जो रे है वह फोकस से आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, एक ये रे ऑफ लाइट है, लाइट की एक किरण है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल है। और अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आ रही है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो देखिए, ये लाइट गया है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इससे टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? इससे टकराने के बाद ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से आ रही है। तो ये आपका था पहला रूल, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है? पहला रूल है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे रूल पर। तो दूसरा रूल कहता है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। तो ये रूल कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो कहाँ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, वह उसी पाथ पर फिर वापस लौट आएगा। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, वह सेम पाथ पर क्या होगा? लौट आएगा। कैसे? सो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, तो यहाँ से ये जो लाइट की किरण गई, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि इमेजिनरी, इसमें सब कुछ वर्चुअल होता है, रियल कुछ नहीं होता है। कॉन्केव मिरर की तरह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल नहीं होते हैं, इसमें दोनों ही वर्चुअल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद ये फिर वापस उसी सेम पाथ पर लौट आएगा, यानी कि उसी पाथ पर ये लौट आएगा। जैसे हम लोग कॉन्केव में पढ़े थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है वह उसी पे फिर वापस हो जाता है, वही केस इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें इमेजिनरी लाइन से इसको दिखाया गया था और उसमें रियल लाइन से, यही अंतर होता है। उसके बाद तीसरा रूल क्या कह रहा है? तीसरा रूल है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस। एक रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस की तरफ जाती है और पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन होने के बाद। क्या कहा इसने? कि एक रे ऑफ लाइट है जो किसके तरफ जाती है? फोकस की तरफ जाती है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या हो जाती है दोस्तों? पैरेलल हो जाती है। तो देखिए कैसे पैरेलल होती है। ये हमारा एक रे है जो कि ये जा रहा है और ये फोकस तक गया, और यहाँ पर ये स्ट्राइक होने के बाद ये फिर वापस आ गया, और ये क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल हो गया। तो यही हमारा तीसरा रूल था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथा रूल पे, कि चौथा रूल क्या कहता है हमारा। तो चौथा रूल कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। कहना ये इसने चाहा कि एक रे है, लाइट की एक किरण है, लाइट की एक रेखा है जो क्या हो रही है?
इंसिडेंट हो रही है पोल पर गिर रही है। ये यहाँ पे पोल, आप लोग जानते हैं कि पोल किसको कहा जाता है, तो पोल पे गिर रही है और सेम एंगल बनाते हुए वापस भी आ रही है। यानी कि ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों का जो एंगल होगा ये आपस में बराबर होगा, इसने यही बात कहा। तो ये आपका चारों रूल था जिस रूल से इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो सभी बात हम लोग अब जानेंगे। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, क्या क्या उसके अलग अलग केस है। तो पहला केस एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगा, और एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा जाएगा तो कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि जब हम लोग को इन्फिनिटी पे रखना हो, इन्फिनिटी पे रखेंगे तब कहाँ बनेगा। देखिए ये पहला केस इन्फिनिटी का है, ये दो पैरेलल लाइंस जाएंगे, जैसा कि उसमें भी कॉनकेव मिरर में भी हम लोगों ने देखा था कि इन्फिनिटी पर दो पैरेलल लाइंस गए थे तो उसमें इस तरह से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इसमें यहीं पे ये दोनों वापस आ जाएंगे। और ये दोनों जब वापस आएंगे तो उसके बाद ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, और चूँकि फोकस इसका इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है, तो इसके लिए ये दोनों पॉइंट आगे मिलेगा कहाँ पे, आपको फोकस पे मिलेगा, नहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअली मिलता नहीं है लेकिन अपीयर्स टू मीट होता है, जिसके कारण दोस्तों ये इमेज का फॉर्मेशन आपको फोकस पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई आपको क्लियर कि जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो फोकस पे होगा। तो फोकस पे जब इमेज फॉर्म होगा तो इमेज आगे में फॉर्म होता था तो कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन जब मिरर के पीछे में इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये हम लोग लिखेंगे बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यानी कि पोजीशन ऑफ मिरर इमेज क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। अब देखिए दूसरा चीज, इमेज क्या है, इमेज जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का क्या मतलब, वर्चुअल का मतलब कि जिसको स्क्रीन पर नहीं दर्शाया जा सके वैसा इमेज है, तो ये इमेज वर्चुअल है और क्या है, इरेक्ट है। वर्चुअल है और क्या है, इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज जो है ये सीधा है तो इसके लिए इमेज इरेक्ट है। और तीसरा जो केस है साइज ऑफ इमेज, तो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो चूंकि बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके अपेक्षा में ये जो इमेज हमारा बना ये बहुत ही छोटा है, तो इसके लिए इमेज जो फॉर्म हुआ ये मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ये बात हो गई क्लियर, पहला केस था ये जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तब। अब अगला केस का बात करेंगे, एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी कि पोल से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी यदि रखें तो देखिए जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी इसको रखेंगे एनी वेयर, तो ये तीन केस में ही इमेज फॉर्म करेगा। पहला केस पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, मिरर के पीछे होगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर होगा, और बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ही होगा, इस दोनों के बीच में ही होगा। पहला केस पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन होगा और सीधा होगा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे छोटा होगा। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ कि हम लोगों ने पोल और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट पर क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। तो ऑब्जेक्ट को जो रखा तो ये पहला केस लागू करते हुए ये फोकस से पास किया, और तीसरा केस लागू किया हम लोगों ने जिसमें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया लेकिन
आगे ना जाके ये क्या हो गया, फिर वापस आ गया उसी लाइन पे। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे कटा, और यहाँ पे कटने के बाद ये पोजीशन जो है ये पोल और फोकस के बीच में आया, जो कि इमेज का पोजीशन है। और ये इमेज सीधा है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। और ये देख लीजिए आपका ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज। तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है, तो इसीलिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आपको बस याद रखना है, जब इन्फिनिटी पे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉनकेव में बताया था कि जहाँ पे भी इन्फिनिटी हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंख बंद करके डायरेक्ट फोकस लिख देना है, यानी कि इन्फिनिटी पे यदि इमेज है तो फोकस पे ही बनेगा, या तो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बिहाइंड द मिरर और फोकस पे बना। और इसको याद रखने के लिए तो आपको ये जो है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सारे केस में इमेज जो फॉर्म होंगे वो वर्चुअल और इरेक्ट होंगे, वर्चुअल और इरेक्ट होंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो पोल एंड इन्फिनिटी है तो पोल और फोकस के ही बीच में बनना है, ये भी बात तय है। और इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो होगा वह हम स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही होगा। तो इससे आपको आसानी रहेगा याद करने में कि इमेज जो फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो कैसे फॉर्म होता है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को जानेंगे, और उसके बाद मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है पहले यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का यूज बहुत कम जगह ही किया जाता है। एक रियर व्यू मिरर में इसका यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर के रूप में, और दूसरा सोप सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों में रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। और जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, बिग शॉप्स होते हैं, वहाँ पर इसको एज ए सोप सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज किया जाता है, ताकि कोई भी सामान चोरी नहीं हो। और ये बड़ा करके ये सामान को दिखाता है, जिसके कारण कि सारे सामान भी दिखते रहते हैं। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर का यूज। अब हम लोग मिरर फार्मूला जानेंगे कि मिरर फार्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों मिरर फार्मूला क्या है, 1/v मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये है मिरर फार्मूला। और इसी मिरर फार्मूला से जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के, वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्व होते हैं। यानी कि मिरर वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्व होते हैं। तो यहाँ देखिए यू वी और एफ तीन टर्म है, तो यू क्या चीज को डिनोट करता है, वी किसको और एफ किसको, सो देख लेते हैं। तो यू जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता है, किसको दिखाता है दोस्तों, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता है। और उसके बाद अगला टर्म आ गया वी, वी किसको शो करता है, इमेज डिस्टेंस को भी दिखाता है। वी किसको दिखाता है, इमेज डिस्टेंस को, यानी कि इमेज की दूरी क्या है। और एफ फोकल लेंथ। तो ये मिरर फार्मूला था। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स का जब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो वहां पर हम लोग मिरर फार्मूला को भी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का। कौन सा टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट का रेशियो जो होगा वही क्या होगा आपका, मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन।
क्लियर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, मैग्निफिकेशन बराबर एच टू बाई एच वन, मैग्निफिकेशन बराबर एच टू बाई एच वन। तो एच टू और एच वन जो दो अलग अलग टर्म है, ये हमें यहाँ पे क्या क्या चीज को शो कर रहे हैं सो हम लोग को देखना है। तो एम तो हमारा मैग्निफिकेशन दिखा रहा है, एच टू जो है ये हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज है, और एच वन जो है हमारा ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एक हाइट ऑफ इमेज और एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये लिनियर मैग्निफिकेशन शो कर रहा है। तो लिनियर मैग्निफिकेशन की कुछ बातें जो है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसी के साथ कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक बात है वो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि इफ मैग्निफिकेशन शोज पॉजिटिव साइन, यदि मैग्निफिकेशन ने पॉजिटिव साइन को दर्शाया, इट मीन्स, तो इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट है। यदि मैग्निफिकेशन प्लस है तो इमेज जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर। दूसरा केस, इफ मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, यानी कि माइनस साइन से दिखाया जा रहा है, तो इट मीन्स इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, यानी कि यदि मैग्निफिकेशन माइनस है तो इमेज क्या है रियल और इन्वर्टेड। तो इसमें अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि आपको मैग्निफिकेशन दे दिया गया प्लस टू या फिर प्लस टू नहीं, आप माइनस टू लीजिए, माइनस टू अच्छा एग्जाम्पल है, माइनस टू दे दिया गया और आपको कहा गया कि हाँ तो भाई बताओ ये कौन सा मिरर होगा, और इसके बारे में यानी कि इसके तीन कैरेक्टर्स लिखना है, तीन नेचर लिखना है, पहला साइज, दूसरा पोजीशन और तीसरा नेचर। तो देखिए अब कैसे हम लोग लिखेंगे इसे, तो देखिए पहला जो है नेचर ऑफ इमेज, तो वह निगेटिव साइन होने के कारण रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, निगेटिव साइन होने के कारण रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। अब जब रियल और इन्वर्टेड हो गया तो अब आप ये बताइए कि रियल और इन्वर्टेड हम लोगों ने किस केस में पढ़ा था, सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ा था। दैट मीन्स कि ये जो मिरर पर ये जो मैग्निफिकेशन शो किया जा रहा है वो हमारा कॉनकेव मिरर है। ये दो चीज पता चल गया, मिरर पता चल गया, एक पता चल गया नेचर उसका पता चल गया। अब तीसरा चीज हम लोग को पता करना है वो है साइज। तो यदि साइज चूंकि एच टू बाई एच वन है, तो यदि एक के बराबर आएगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज का हाइट दोनों बराबर है। यदि एक से छोटा आएगा, लेस देन वन आएगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, लेस देन वन यदि आया तो, और यदि ग्रेटर देन वन आया तो इसका मतलब कि इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट क्या है छोटा है। ये बात हो गई क्लियर। मतलब कि यदि इक्वल आया तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों बराबर है, यदि एक से बड़ा आया तो, एक से यदि बड़ा आया तो का मैं बता रहा हूँ, एक से यदि बड़ा आया तो इमेज का हाइट ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का हाइट कम है, और यदि एक से छोटा आया तो इमेज का हाइट कम है और ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो है, यानी कि एक से बड़ा है तो इमेज का हाइट ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का हाइट कम है, यानी कि साइज ऑफ इमेज में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट हाइट इज स्मॉलर देन इमेज हाइट, या फिर इमेज हाइट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मैग्निफिकेशन से पूछे जाते हैं, पूछे जाते ही रहेंगे। और एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे, वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि यदि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तीनों आपके सामने रखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि तीनों मिरर को बिना टच किए हुए कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन कॉनकेव और कौन कॉनवेक्स, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका एक तरीका है, प्लेन मिरर जो होगा
उसमें आपका इमेज क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। बराबर आएगा मतलब कि जितना बड़ा आपका फेस होगा उतना ही बड़ा रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो ये आप इससे पता कर लेंगे कि ये आपका प्लेन मिरर है। उसके बाद जो जो आपको क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, उसमें यदि आप आगे से पीछे जाएं या फिर पीछे से आगे जाएं तो वो इमेज उसका छोटा होते चला जाएगा, आपका फेस छोटा होते चला जाएगा, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है। अब जब आपको प्लेन और कॉन्वेक्स पता चल गया तो तीसरा मिरर क्या बचा, कॉनकेव बचा। तो ये आप आसानी से पता लगा लेंगे। तो ये कुछ अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन उसी को बेस लेके हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये आज जो है हम लोग का ये चैप्टर यानी कि रिफ्लेक्शन जो है, सिर्फ रिफ्लेक्शन वो खत्म हुआ है, लाइट का रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग पहले इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और उसके बाद उसके अगले वीडियो से हम लोग रिफ्लेक्शन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जिन दोस्तों को इसका नोट्स चाहिए होगा यानी कि लाइट का नोट्स चाहिए होगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो उन्हें एक साइट मिलेगा, वहां पर जाके यदि वो ओपन करेंगे तो उन्हें लाइट्स का फुल नोट्स मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पूरा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, गुड डे।